हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। और आज मैं जो टिप्स लेकर आई हूँ उसको देखने के बाद आपको जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगने वाले हैं। तो पहली टिप की तरफ चलते हैं। आज हम बनाएंगे अचार, वो भी मिर्ची का अचार। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और सब्जी ना भी हो तब भी ये अचार जो है काम में आता है। तो उसके लिए हम मसाले पहले तो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच मेथी ली है, ज़ीरा लिया है 1 चम्मच और 2 चम्मच सौंफ लिया। 1 चम्मच के करीब यहाँ पर मैंने मस्टर्ड सीड्स लिए हैं जो कि हैं सरसों के दाने, और अजवाइन ली है मैंने 1 चम्मच। तो जो मेथी दाना है वो मैंने भरकर पूरे मैंने 2 चम्मच लिए हैं और इनको जो है एक मिक्सी जार में अच्छे से पीस लिया है। और पीसने के बाद यहाँ पर मैंने नमक 1 चम्मच और यहाँ पर कलौंजी आधी चम्मच मैंने डाल दी थी, सॉरी वो दिखाना स्किप हो गया है। और यहाँ पर अब हम 2 चम्मच डाल देंगे विनेगर को, अच्छे से जो है इसको मिक्स कर लेंगे, सारा मिश्रण अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और इसके बाद क्या करेंगे कि ऑयल लेंगे थोड़ा सा, यहाँ पर मैंने 3 से 4 चम्मच ऑयल लिया है। और सारी जो मिर्ची है इसमें जो हमने डाल दी है, और इसको 1 मिनट के लिए फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा देर के लिए हम फ्राई नहीं करेंगे। तो 1 मिनट हो चुका है और सारी मिर्ची जो है अच्छे से फ्राई हो गई है। तो मैंने जो है मिर्ची को एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है, हल्का सा जो है ये ठंडी हो जाएगी। तो उसके बाद जो है हम इसमें सारा जो हमने मसाला तैयार किया है इसमें भर देंगे। तो याद से आप भी नमक और कलौंजी ऐड कर लीजिएगा, नमक और कलौंजी दिखाना स्किप हो गया है। तो सारी मिर्ची हमने जो है भर कर तैयार कर लिया है और इसको एक डिब्बे में ट्रांसफ़र कर लिया है। कोई सा भी डिब्बा आप ले सकते हैं, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आप कितनी मिर्ची बना रहे हैं उस हिसाब से सारा मसाले इसके ऊपर डाल देंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से ये बन जाएगी, 1 से 2 दिन के अंदर ही बहुत अच्छे तरीके से मिर्ची का ये अचार जो है पक कर तैयार हो जाएगा। तो 1 चम्मच मैंने विनेगर और डाल दिया है। तो आप भी ये जो है मिर्ची का अचार बना कर रखिए, मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये टिप कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। बढ़ते हैं अगली टिप की ओर। घर की जो क्लीनिंग होती है बहुत ही ज़्यादा कई बार हार्ड लगती है, क्योंकि अच्छे से जो है साफ़ सफाई नहीं हो पाती, रगड़ रगड़ कर साफ़ करना पड़ता है। तो जो हमारा गैस होता है उसको तो साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने लिए है कोलगेट और एक जो है ब्रश लिया है जो यूज़ में नहीं है, उसी ब्रश से मैं जो है कोलगेट से ये पूरे गैस की सफाई करूँगी। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट आते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा ये ग्लास वाला जो है ये गैस है, बहुत ही ज़्यादा चमक आ जाती है अगर इससे जो है कोलगेट से इसकी सफाई करते हैं। तो नॉर्मल स्क्रबर से साफ़ करने पर जो हम करते ही हैं ऑलमोस्ट हफ्ते में, अगर आप 1 दिन ऐसे करते हैं तो ग्लास आपके जो है चमक जाएंगे, पूरा जो गैस है वो बहुत ही नया जैसा लगने लगेगा। और स्क्रबर की हेल्प से और चाहे हम विम बार यूज़ करते हैं, कोई भी हम यूज़ करते हैं, तो उससे जो है इसकी चमक गायब हो जाती है। तो आज मैं एक और टिप बताऊंगी कि आपको जो है ग्लासेस को बाद में सुखाना कैसे चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इससे जो है पहले सारी तरफ जो है कोलगेट की लेयर बिछा देते हैं। और यहाँ पर मैंने जो है बर्नर को भी निकाल कर इसमें थोड़ा सा जो है कोलगेट लगा दी है। आज मैं बर्नर साफ़ करना नहीं बता रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है बर्नर साफ़ करना भी बताऊँगी। तो यहाँ पर मैंने कोलगेट भी लगा दी है और बहुत ज़्यादा नहीं रगड़ना, इसको 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और उसके बाद जो है इसको नॉर्मल पहले तो हम गीले कपड़े से साफ़ करेंगे, अच्छे से जो है सारी कोलगेट को रिमूव कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट के लिए मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ। और यहाँ पर मैंने लिया है गीला कपड़ा और गीले कपड़े से अच्छे से हम इसको जो है पहले तो साफ़ करेंगे। और देखिए बिल्कुल जो है साफ़ हो चुका है, पर इसकी जो शाइन है हम कैसे वापस लेकर आएँ। तो इसके लिए एक चीज़ ज़रूरी है, वो या तो है आप टिश्यू पेपर का यूज़ कीजिए, अगर आपके घर में नहीं है तो आप जो है न्यूज़पेपर का यूज़ कर सकते हैं। टिश्यू पेपर का यूज़ मैं बहुत करती हूँ, तो आज मैं आपको जो है अखबार का यूज़ करना बताती हूँ। बहुत ही ज़्यादा जो है इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट मिलते हैं इससे। एक तो गैस जल्दी सूख जाता है और सेकेंड ये कि इससे जो है एक ग्लास में जो है चमक आ जाती है। तो उस चमक के लिए आप या तो टिश्यू पेपर का यूज़ कीजिए इसको जो है साफ़ करने के बाद, या फिर आप जो है अखबार का भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। तो जब भी आप जो है ग्लास वाले गैस स्टोव की सफाई कीजिए, तो ये 1-2 टिप्स आप अपना सकते हैं जिससे कि उनकी जो है चमक वापस आ सकती है। तो बहुत ही बढ़िया जो है हमने एक गैस स्टोव को साफ़ कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं। अब चलते हैं तीसरी टिप की ओर। तीसरी टिप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सरसों के तेल में कई बार ऐसा होता है कि कच्चा तेल होता है और हमारी आँखों से जो आंसू है वो टपक पड़ते हैं, क्योंकि जो तेल होता है सरसों का तेल वो बहुत ज़्यादा कई बार कड़वा होता है
आता है और उसको जब हम गैस पर चढ़ाते हैं तो पूरे घर में जो है उसकी एक स्मेल सी बिखर जाती है, जिससे कि पूरा कड़वा लगता है आँखों पर भी। तो आज मैं एक ऐसी टिप बता रही हूँ जिससे कि सरसों का तेल जो है कड़वा लगना बंद हो जाएगा और 1 से 2 सेकंड में ही वो बिल्कुल पककर तैयार भी हो जाएगा। तो वो टिप क्या है? तो वो टिप है नमक। जी हाँ, नमक बहुत ही जल्दी जो है तेल को पकाने में हेल्प करता है, जिससे कि पकने की वजह से एक तो आंखों में आंसू नहीं आते और बहुत ही बढ़िया माना जाता है अगर सरसों के तेल में पहले नमक डाल दिया जाए। तो यहाँ पर हम डालेंगे आधी चम्मच के करीब नमक डाल देंगे और उसके बाद ध्यान रखेंगे कि तड़के के बाद जो है नमक आप उसी हिसाब से डालिए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल लिया है और उसके बीच में मैंने नमक डाल दिया है और थोड़ी देर के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। और उसके बाद जो है कोई भी सब्जी बना सकते हैं, कोई भी मसाला तैयार कर सकते हैं। अगर आपको ये टिप अच्छी लगी है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो में सबसे अच्छी टिप आपको कौन सी लगी है और आप उसका यूज़ करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और साथ में ही सब्सक्राइब का बटन है उसको भी ऑन कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कीजिएगा, ताकि सारी मेरी वीडियोज़ जो भी मैं अपलोड करती हूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए। तो अब चलते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अगली टिप है घर में जो दरवाजे होते हैं वो कई बार जो है चूं चूं ज़्यादा करने लग जाते हैं, घर अंदर बाहर खोलते हैं तो उसके लिए एक छोटी सी टिप ये है कि हमारे घर में मशीन ऑयल होगा, अगर नहीं है तो आपके घर में ऑलिव ऑयल होगा, अगर वो भी नहीं है सरसों का तेल है वो होगा, कोई सा भी तेल इसमें जो है आप यूज़ कर सकते हैं। और जिस साइड से दरवाज़ा जुड़ा हुआ है आप वहाँ पर जो है इसके ऊपर जो है मशीन ऑयल जो है लगा सकते हैं। और आपके पास अगर मशीन ऑयल नहीं है तो कोई सा भी तेल इसमें आप यूज़ कीजिएगा तो रिज़ल्ट उतने ही अच्छे मिलेंगे। सबसे अच्छे रिज़ल्ट जो है मशीन ऑयल से मिलते हैं, क्योंकि आपको पता है कपड़े सिलने वाली मशीन में भी यही यूज़ किया जाता है। तो सारे पार्ट्स में हम इसको लगा देंगे, इससे जो है बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा दरवाजा। अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे घर में जो होता है पनीर जो है बच जाता है तो पूरा हार्ड हो जाता है। तो उसके लिए क्या कीजिए कि पनीर को हमेशा जो है पानी में डिप करके रखिए। ये पनीर तो मैंने यूज़ करना है, अगर आपको जो है पनीर एक्स्ट्रा आ गया है आप उसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप जो है एक पानी में डिप करके रखिए फ्रिज में, नहीं तो वो बिल्कुल ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जो है पनीर को निकाल लिया है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहता है पनीर जब भी आप उसको 1 दिन बाद या 2 दिन के बाद यूज़ करेंगे। तो ये छोटी सी टिप है, जब भी आप पनीर लेकर आएँ तो उसको जो है पानी में डालकर रखें, बहुत ही ज़्यादा जो है इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट मिलेंगे। और दूसरी टिप भी पनीर से जुड़ी हुई है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम ये गलती कर बैठते हैं कि ऐसे ही डायरेक्ट फ्रिज में पनीर रख देते हैं, तो क्या करें उसको कैसे सॉफ्ट करें। तो उसके लिए आप गर्म पानी का यूज़ कीजिए। जी हाँ, गर्म पानी में डालने से 2 से 3 मिनट के बाद ही पनीर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। तो आज की सारी टिप में से आपको कौन सी टिप अच्छी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, भूलिएगा नहीं। आज के लिए बस इतना ही, तो चलते हैं, बाय।